वेरी गुड मॉर्निंग। तो अभी आजकल देख लेते हैं एमसीक्यू। एमसीक्यू किसी 4x4 व्हीकल में है, वो किसी 4x4 व्हीकल में क्या होता है? क्लच ऑपरेटिंग मैकेनिज्म सरल हो जाता है? गलत। पहियों का सड़क के साथ संपर्क बढ़ जाता है। बी, सड़क के साथ पहियों का संपर्क बढ़ जाता है। ठीक। नेक्स्ट है, सैलून का उदाहरण है होंडा सिटी कार। जो भी ये बॉडी वाली कारें हैं हमारी, टाटा इंडिका विस्ता है, ये सब क्या है? सैलून है। हैचबैक का सबसे अच्छा उदाहरण है। हैचबैक का मतलब है जिसमें पीछे डिक्की नहीं होती, पीछे सामान रखने की जगह होती है। चार दरवाजे तो होते हैं, ड्राइवर का, को ड्राइवर का, पीछे पैसेंजर के दो। ये चार दरवाजे तो लगभग भारतीय सब कारों में मिलेंगे, और हैचबैक में एक पांचवा दरवाजा वो पीछे डिक्की का, जैसे अल्टो 800 और इंडिका, i20, i10 ग्रांड, ये सब हैं हैचबैक। उसके बाद है क्लच। साधारणतः डिजाइन किया जाता है जो कि इंजन की अधिकतम टॉर्क को ट्रांसमिट कर सके। कितना टॉर्क ट्रांसमिट कर सके? हाँ गौरव सिंह, टिक तो तूने ही किया है। 150% टॉर्क, यानी इंजन ने जितना, यह लिखने का मतलब यह है कि इंजन ने जितना टॉर्क बनाया है वो सारा का सारा टॉर्क ट्रांसमिट हो जाए गियर बॉक्स को, तो वो अधिकतम टॉर्क है 150%। नेक्स्ट है क्लच के घूमने वाले पार्ट्स का जड़त्व होना चाहिए, यानी इनर्शिया। इनर्शिया के फोर्सेस, इनर्शिया का मतलब क्या है? कि यदि कोई वस्तु चल रही है तो वह चलती रहना चाहती है, यदि खड़ी अवस्था में है, विराम अवस्था में है, तो विराम अवस्था में रहना चाहती है। तो क्लच के पार्ट का इनर्शिया कैसा होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए। गुड। आगे क्लच फेसिंग का घर्षण गुणांक लगभग होता है कितना? 0.35 से लेके 0.4 तक। ओके। नीचे ला। एक ड्राइवर द्वारा वाहन चलाते समय बिना थके क्लच में लगाए जाने वाला बल होता है, इतना बल जिससे कि वो थके ना, मगर क्लच ऑपरेट हो जाना चाहिए, कितना? 100 न्यूटन। ओके। आगे क्लच ट्रांसमिशन और, क्लच कहाँ पर फिट होता है? ट्रांसमिशन और इंजन के बीच में होता है। नेक्स्ट, प्रेशर प्लेट कवर असेंबली का वह भाग जो क्लच प्लेट को प्रेशर प्लेट के साथ पकड़ कर रखता है। स्प्रिंग ही दबाए रखते हैं प्रेशर प्लेट को, तब प्रेशर प्लेट क्लच प्लेट को फ्लाईव्हील के साथ चिपका देती है, दबा के रखती है, स्लिप नहीं होने देती। यदि क्लच प्लेट स्लिप होने लगेगी तो प्राइमरी शाफ्ट के द्वारा जो इंजन की टॉर्क है वह पूरी गियर बॉक्स में नहीं जा पाएगी, क्लच स्लिप होने लगेगा। क्लच प्लेट में कुशन स्प्रिंग का कार्य होता है, क्या होता है? जब भी गियर शिफ्टिंग होती है तो उसमें क्लच को दबाया जाता है, तो उसमें झटका पड़ता है छोड़ते समय, तो वो छोड़ते समय वाले झटके को सहन करना काम है कुशन स्प्रिंग का, तो झटकों को कम करना या सहन करना। थ्रस्ट या रिलीज बेयरिंग फिंगर या रिलीज लीवर के साथ लगा हुआ होना चाहिए। कब लगा हुआ होना चाहिए? जब क्लच पैडल दबाया जा रहा है तब लगा हुआ होना चाहिए, अन्यथा वो रिलीज बेयरिंग क्लच के जो फिंगर हैं या फिर डायफ्राम की नोक जैसी निकली हुई वो भी फिंगर ही हैं, जब प्रेशर प्लेट उठा के लाया पीछे से तू ले आ रहे बांसी, उसके साथ अगर वो लग के चलेगा, रिलीज बेयरिंग प्रेशर प्लेट के साथ लग कर चलेगा, तो रिलीज बेयरिंग खत्म हो जाएगा और क्लच फेल हो जाएगा। इसलिए रिलीज बेयरिंग को क्लच के साथ फिट लगा हुआ कब होना चाहिए? जबकि क्लच पैडल को दबाया जाए। बहुत सारे ड्राइवरों में आदत होती है क्लच पैडल के ऊपर पैर रख कर चलते हैं, वो गलत आदत है। रिलीज बेयरिंग है वो इस तरह से इन फिंगर्स में, ये जो प्रेशर प्लेट की पत्तियां हैं इनके साथ
लगा हुआ रहेगा। अब ये तो घूम रहा है फ्लाईव्हील के साथ, ये प्रेशर प्लेट घूम रही है और ये घूमते घूमते रिलीज बेयरिंग को ख़त्म कर देगी, क्लच फेल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा पूरा का पूरा, गियर बॉक्स क्लच असेंबली सारी डाउन करनी पड़ेगी, और यदि वाहन कहीं रास्ते में खड़ा भी हो सकता है। इसी के लिए जो होता है ताकि ये लगा हुआ ना रहे, इनके बीच में थोड़ा सा गैप रखा जाता है, और उसी लिए वो क्लच में पैडल में फ्री प्ले रखी जाती है। कितनी होती है क्लच पैडल में फ्री प्ले? 30 से 35 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है कि सामान्यतया कारों में क्लच पैडल फ्री प्ले रखा जाता है 30 to 35 mm, यानी 3 से 3.5 cm। जब प्रेशर प्लेट घिस गई हो तो ड्राइवर को जो क्लच को डिसइंगेज करने के लिए ड्राइवर के द्वारा लगाए जाने वाले बल की मात्रा कम होगी या अधिक होगी? बढ़ जाएगी। जब ये प्रेशर प्लेट की ये फेसिंग घिस जाएगी, ये फेसिंग जब घिस जाएगी तो फिर इस इन्हें दबाने के लिए ड्राइवर को ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। जो पुराने समझदार ड्राइवर हैं वो समझ जाते हैं कि ये गई क्लच प्लेट, जा चुकी है क्लच प्लेट भी और प्रेशर प्लेट भी। क्लच प्लेट के साथ क्लच फेसिंग फिट रहती है। जो क्लच फेसिंग है जो कि फ्रिक्शन मटेरियल वाला है, वो प्लेट के साथ किसके द्वारा फिट रहती है? स्टील के रिवेट के द्वारा, एल्यूमिनियम के रिवेट के द्वारा, या किसके किस रिवेट किस टाइप के रिवेट के द्वारा? वो ब्रास रिवेट के द्वारा फिट रहती है। ठीक है, क्वेश्चन है, किसी वाहन में इंजन क्लच तथा गियरबॉक्स यूनिट, इंजन है इंजन के साथ ही लगा हुई क्लच है, क्लच के साथ ही लगा हुआ गियरबॉक्स है, ये कितनी जगह पर माउंट रहता है? 3 जगहों पर, 3 स्थान पर। यानी जो फाउंडेशन बोल्ट हैं जिसमें इंजन फिट है, जो रबर के गुटके हैं, वह 2 आगे और 1 पीछे वो क्रॉस मेंबर के नीचे रहता है, 3 स्थानों पर फिट रहता है। वाहन का वेट साइड मेंबर्स पर उत्पन्न करता है। जो चैसी फ्रेम है, चैसी फ्रेम मैंने तुम्हें दिखाया था, तो चैसी के जो साइड मेंबर्स हैं लॉन्ग मेंबर्स, उन पर वाहन का वेट कौन सा बल डाल रहा है, कौन सा इफेक्ट डाल रहा है? वर्टिकल लोडिंग के कारण क्या पैदा होगी? बेंडिंग, लंबवत बल। वाहन का चैसी फ्रेम चतुर्भुज की तरह विकृत हो जाता है। चैसी फ्रेम है कैसा? पैरेलल है, एक आयताकार है, पर वह हो गया है चतुर्भुज की तरह। किस कारण से? जब वह किसी खड़े वह किसी पत्थर पे या किसी पहाड़ी पे टकराएगा तो वो इस तरह से विरूपित हो जाएगा, एकदम वो था ऐसा और बन जाएगा ऐसा टाइप का, 3-4 जगह से चतुर्भुजाकार। चैसी के साइड मेंबर्स पर लेटरल बेंडिंग, लेटरल बेंडिंग किस कारण होती है? साइड लेटरल फोर्सेस, क्या बोला था, जो साइड से लगेंगी तो किस कारण लगती हैं? वो साइड थ्रस्ट के कारण। गुड, साइड थ्रस्ट यहाँ पर है, साइड विंड है, साइड विंड भी जो है थ्रस्ट डालती है। यदि वाहन ऐसे टर्न कर रहा हो और इस तरफ से हवा आती है तो एक तो वो टर्निंग के कारण भी उसकी बॉडी ऊपर से थोड़ा सा बाहर की तरफ को झुक रही है टर्न पर, और ऊपर से कोड़ में खास तेज हवा भी चल गई, तो वाहन ऐसे ऐसे करते हैं, ये है लेटरल वेंडिंग। ठीक है, चल नेक्स्ट। ये तो हो गया था। पैडल छोड़ देने के बाद भी ब्रेक शू का ड्रम डिस्क को पकड़े रखता है, ये कहलाती है ब्रेक ड्रैगिंग। ऊपर ये जो क्वेश्चन है, ब्रेक ड्रैग क्या होता है? ब्रेक ड्रैग, ब्रेक पैडल छोड़ दिया है मगर ब्रेक शू ने अभी भी नहीं छोड़ा है, ड्रम को पकड़ा ही है, क्या कारण होगा? ड्रैगिंग का कारण क्या होगा? पहला कारण है कि वो ड्रैगिंग के कारण ही पूरा का पूरा ड्रम जो है वो आउट ऑफ राउंड हो चुका है और वो फंस जैसा रहा है। तो उसका मेन कारण होता है ये जो व्हील सिलेंडर हैं, खासकर पिछले जो ड्रम टाइप ब्रेक होती हैं उनमें जो ये व्हील सिलेंडरों के आगे ये कप लगी रहती हैं, ये
ब्रेक फ्लूइड टाइम से चेंज नहीं किया तो ये जो रबर के कप हैं ये फूल जाते हैं। फिर ये व्हील सिलेंडर फैल तो गए फ्लूइड के प्रेशर से, लेकिन ये सिकुड़ते नहीं हैं, जिस कारण ब्रेक शू फैले ही रह जाते हैं और वो ड्रम को पकड़े रखते हैं। जब इंजन का टॉर्क बढ़ा के एक्सेलेटर दे के झटका सा लगता है तो वो खुल तो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, पर इस दौरान जितनी भी खरोंचें उसमें पैदा हो रही हैं इस कारण से वो पूरा ड्रम जो है ओवल घिस जाता है। और यदि इसके बाद भी तुम्हारी समझ में नहीं आई या ड्राइवर के समझ में नहीं आई, बेवकूफ़ ड्राइवर बैठा हुआ है तो वो वैसे ही गाड़ी चला रहा है, तो इससे जब वो पूरी तरह से धुआं निकालने लगेगा जाम होकर तभी वो व्हील सिलेंडर को रिपेयर करेगा। यदि एयर ब्रेक गाड़ियां हैं तो तब भी जो एसकेएम को चलाती है, कल मैंने बोला था ना कि उसमें भी एक पुश रॉड होती है जो ब्रेक एक्चुएटर में जब हवा का प्रेशर 8 bar का प्रेशर डालता है 800 kilopascal का, एक बार बराबर 100 kilopascal, जब वो 800 kilopascal का बल उस डायफ्राम पर लगाता है तो एक पुश रॉड बाहर को निकलती है और वो पुश रॉड एक दूसरी रॉड को चलाती है, वो स्लेक एडजस्टर होता है, वो स्लेक एडजस्टर को चलाती है तो स्लेक एडजस्टर के नीचे जो एक रॉड इस तरह से बाह्य स्प्लाइन होते हैं उसमें और वह इसके अंदर की स्प्लाइन में लगती है, वो अंदर एसकेएम को चलाती है। वही एसकेएम क्योंकि वो ऐसी केम है, वो दोनों ब्रेक शू को फैलाने का और बंद करने का काम कर रही है। ब्रेक शू बंद कैसे हो रहे हैं? ब्रेक शू रिट्रैक्टर स्प्रिंग या रिटर्निंग स्प्रिंग, जो ब्रेक शू के साथ स्प्रिंग लगी हुई है वो स्प्रिंग उसको वापस खींच रहा है और केम वापस अपनी जगह पे आ जा रही है। जब ये रॉड घूम रही है तब ये एसकेएम ऐसे घूम रही है और ब्रेक शू को फैला रही है। तो जहाँ पर ये एसकेएम लगी हुई हैं तो ये केम कई बार जाम हो जाती हैं, जिस कारण हैंड ब्रेक रिलीज कर देने के बाद भी ब्रेक रिलीज नहीं होते हैं, वो केम फंस जाती है, इस कारण से वो ब्रेक लगे ही रह जाते हैं। और ज़बरदस्ती जोर लगाया और एक झटके में खुल गई, मगर वो खुलने में जो झटका लगा उसके कारण अंदर से ड्रम कट जाता है, ड्रम में निशान बन जाता है। ठीक है, आगे आधुनिक ब्रेक पैडल में कॉपर की प्रतिशत मात्रा मिलाई जाती है। जो कारें होती हैं, कारों के जो ब्रेक पैड हैं, यहाँ पर पूरी ट्रे रखा करो जिसमें कि ये सवालों से संबंधित सारे पार्ट हों, समझ में आ रही बात? तो मेरे इंडिका विस्ता के ब्रेक शू और पैड देखे हैं, उनमें चूर्ण नज़र आता है, मेटल का चूर्ण साफ, तो उसमें लौह के साथ साथ तांबा भी होता है। कितना परसेंट होता है? 20% तांबा मिला जाता है आज के डेट में, ताकि ब्रेकों की लाइफ, पैड की लाइफ ज़्यादा हो। वो मारुति कारों के, वो सैलरियों के 15,000-20,000 में ब्रेक पैड बदलने होते हैं, जबकि मेरी गाड़ी के ब्रेक पैड 60,000-70,000 किलोमीटर चलते हैं। कारण क्या है? क्योंकि वो स्टील रीइन्फोर्स्ड या ये कॉपर वाले ब्रेक मिलाए हुए हैं, मतलब चूर्ण मिला हुआ रहता है इसमें। ठीक है, वाहनों में पीछे से पहचान के लिए टेल लाइट के रिफ्लेक्टर का रंग होता है कैसा? ये तो सबको मालूम है, कैसा होता है? लाल रंग होता है। हेडलाइट में धातु शील्ड, मेटल शील्ड को लगाते हैं। हेडलाइट में जो मेटल शील्ड लगी रहती है कहाँ रहती है? वो डिपर के नीचे। चलो आगे बढ़ाओ। सर्वाधिक प्रयोग होने वाला कार हीटर है। कार के अंदर जब ठंड हो जाती है तो एक ब्लोअर चला जाता है, अंदर गर्म होता है, वो हवा आती है, वो कौन सी है? गर्म हवा। उसके लिए रेडिएटर की ही गर्म हवा को अंदर की तरफ प्रवाहित कर दिया जाता है। एलईडी लाइट का रंग, एलईडी लाइट का जो कलर है उसे कलर टेम्परेचर भी कहते हैं। ट्रैफिकेटर बत्तियाँ मतलब वो इंडिकेटर बत्तियाँ कब प्रयोग होती हैं? जब हमको लेफ्ट राइट टर्न करना हो, और यदि वाहन में किसी तरह की कोई खराबी आ गई है तब उस समय हजार्ड सिग्नल, हजार्ड स्विच को ऑन करते हैं, तो फिर चार के चार सारे के सारे इंडिकेटर ब्लिंकिंग करने लगते हैं। एलईडी लाइट में सफ़ेद रंग के लिए प्रयोग होता है। सफ़ेद रंग क्यों होता है एलईडी लाइट का? इंडियम गैलियम नाइट्राइड के द्वारा, INGAN, इंडियम गैलियम
नाइट्राइट के द्वारा, और पीला रंग एल्यूमिनियम इंडियम गैलियम फॉस्फाइट के द्वारा। ये एलईडी में जो रंग बदलने वाली एलईडी होती हैं, एलईडी है क्या, लाइट इमिटिंग डायोड हैं, वो सेमीकंडक्टर हैं। जब उन्हें उनमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो लाइट इमिट करते हैं, यानी गर्म होते हैं तो प्रकाश फैलाते हैं। जेनर डायोड कहाँ प्रयोग करते हैं, जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। एक क्वेश्चन आया था अल्टरनेटर में कितने डायोड होते हैं, तो कई लिख रहे हैं 6 डायोड होते हैं। कुल कितने डायोड होते हैं, 8 डायोड होते हैं उसमें। ये जेनर डायोड भी रेगुलेटर में होता है, और एक जो करंट की रेगुलेशन के लिए एक स्पेशल डायोड भी होता है उसमें अलग से। समझ में आ रही बात। एक साधारण प्लेनेटरी गियर सेट का आउटपुट मेंबर जो टॉर्क को बढ़ाता है, जो टॉर्क को बढ़ा रहा आगे को चलने में, वो है प्लेनेट कैरियर। प्लेनेटरी गियर सेट, या फिर इसको बोल देते हैं ईपी साइक्लिक गियर बॉक्स, हिंदी में लिखा होगा बाह्य चक्री गियर बॉक्स। तो इसका जो आउटपुट मेंबर जो टॉर्क को बढ़ा रहा है वो है प्लेनेट कैरियर। एक साधारण प्लेनेटरी गियर सेट का आउटपुट मेंबर जो रिवर्स गियर में टॉर्क को बढ़ाता है वो होता है रिंग गियर, जो बाहर से चलता है। प्लेनेट गियर्स कौन से हैं, जो छोटे छोटे इस रिंग गियर के अंदर चल रहे हैं, मगर वो चल कैसे रहे हैं, उसके नीचे है एक सन गियर, बताया था। टॉर्क कन्वर्टर का वह भाग जो ऑयल को चलाता है, ऑयल को चलाता है टॉर्क कन्वर्टर का। टॉर्क कन्वर्टर में कितने भाग होते हैं, दो, कितने भाग होते हैं, कौन कौन से, गुड। वो फर्स्ट ईयर का है, वो कह रहा तीन है, तीन होते हैं, कौन कौन से, पहला इंपेलर, बीच में स्टेटर और सामने टरबाइन। इंपेलर लगा है क्रैंक शाफ्ट के साथ, इंजन स्टार्ट करा, क्रैंक शाफ्ट घूमी, ये सब एक हाउसिंग के अंदर बंद हैं जिसमें ऑयल की लगातार ऑयल आ रहा है, उधर ऑयल की सप्लाई है। तो जब इंपेलर घूम रहा है तो वो तेल छलका रहा है, वो तेल जब छलकाएगा जितनी तेजी से चलेगा उतनी तेजी से तेल को छलकाता है, तेल को छलकाता है। तो मैंने यहाँ पर तुम्हें दिखाया था दो पंखे चलाकर, एक पंखे को चलाया था और दूसरे पंखे को ऐसे ही रखा था, तो एक पंखे की हवा ने दूसरे पंखे को चलाने लग गया था। वो इसलिए दिखाया था कि तुम बेवकूफ़ों को समझ में आए कि टॉर्क कन्वर्टर कैसे काम करता है। इसी तरह से जब ये तेल छलका रहा है तो वो तेल वहां से छटक के वापस आ रहा है इधर को, फिर वहां से रिवाउंड है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होगी, यह न्यूटन का तीसरा नियम है। तो जब वो तेल यहां से छलक के सामने वाली टरबाइन में टकरा के फिर वापस आएगा तो फिर इसको इंपेलर को रोकने की कोशिश करेगा। इसलिए ऐसा ना हो इसलिए एक तीसरा मेंबर बीच में लगाया जाता है, उसको कहते हैं स्टेटर, जो कि उस फ्लूइड को वापस रिडायरेक्ट कर देता है, ताकि वो फ्लूइड वापस इंपेलर की तरफ को ना आए बल्कि उसी समय टॉर्क को मल्टीप्लाई करता है वो। टॉर्क कन्वर्टर का वह भाग जो ऑयल को चलाता है वो है इंपेलर। नेक्स्ट, ओ क्या आराम से चल, वही यानी इसको बंद कर, ऑन कर। एक टॉर्क कन्वर्टर में अधिकतम टॉर्क गुणन अनुपात होता है, जो टॉर्क मल्टीप्लिकेशन रेशियो होता है किसी टॉर्क कन्वर्टर का, वो होता है 2.5। टॉर्क कन्वर्टर का वह घटक जो तेल के प्रभाव को प्रेरित करने वाला या पुनः निर्देशित करने वाला, यानी जो रिडायरेक्ट करता है, वो अभी थोड़ी देर पहले बोला वो क्या है, स्टेटर, यानी इंपेलर से जो छलकाया हुआ तेल है वो टर्बाइन से वापस फिर इंपेलर को ना रोके उसको रिडायरेक्ट करने के लिए, उसे एक दिशा देने के लिए जो पार्ट यूज होता है वो है स्टेटर। एक टॉर्क कन्वर्टर में जो अधिकतम टॉर्क मल्टीप्लिकेशन होता है वो होता है स्टॉल के टाइम पर, जब वाहन स्टार्ट है, आइडलिंग कर रहा है, थोड़ा सा रेस बढ़ाई है, 1000 RPM या उसके नीचे रखा है, तो वहाँ पर सारा का सारा टॉर्क मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे ही इससे ज़्यादा
आरपीएम बढ़ेगा तो वाहन चलने लगेगा, उसमें गियर पड़ जाएगा, वो है टॉर्क मल्टीप्लिकेशन। ऑटोमेटिक वाहनों में इसीलिए टॉर्क कन्वर्टर यूज किए जाते हैं, वहाँ पर जो क्लच का काम है वो फ्लूइड कपलिंग कर रही है। ये फ्लूइड कपलिंग जहाँ पर आया वो फ्लूइड कपलिंग की जगह पर यहाँ पर लग गया टॉर्क कन्वर्टर। फ्लूइड कपलिंग में स्टेटर नहीं था, वही वापस आकर, जब तेल वापस आकर इस इंपेलर की गति को प्रभावित करता था, इस वजह से उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम, लीकेज की प्रॉब्लम एंड मैनी मोर अलग चीज़ें थी। अब इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड गाड़ियाँ आ रही हैं, कंप्यूटर की चिप में, माइक्रो प्रोसेसर में, उसकी सारी मेमोरी में उसके सारे फंक्शन लिखे हुए हैं, सारा लुकअप टेबल का डाटा डाला हुआ है कि कितने आरपीएम पर कितना, कौन सा गियर डालना है, कब डालना है, कब ब्रेक बैंड को लगना है, कब क्लच को ऑपरेट करना है, ये सब कंप्यूटराइज्ड हो रहा है। सारा का सारा इसकी अलग से ट्रांसमिशन मेकाट्रॉनिक्स उसको कहते हैं, गियर के साथ लगी हुई एक प्लेट होती है, उसका अलग से एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट होती है। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट क्या है? एक माइक्रो प्रोसेसर है, एक वो कंप्यूटर है जो सेंसरों से सूचना लेने के बाद फिर एक्चुएटर को कमांड सिग्नल्स दे रहा है। सेंसर उसको सूचनाएं दे रहे हैं कि इस वाहन की स्पीड कितनी है, वाहन खड़ा है कि चल रहा है, एक्सलेटर की पोजिशन क्या है, अंदर जाने वाली हवा की मात्रा कितनी है, ये सारी चीज़ें बार बार नहीं बोलता रहूँगा मैं। एक टॉर्क कन्वर्टर में अधिकतम टॉर्क गुणन यानी टॉर्क मल्टीप्लिकेशन होता है स्टॉल के टाइम पर। टॉर्क कन्वर्टर में ब्लेड का आकार होता है, कैसा होता है टॉर्क का, टॉर्क कन्वर्टर के ब्लेड का आकार थोड़ा सा कर्व्ड होता है, कर्व्ड मतलब वो झुका हुआ जैसा। शाफ्ट के जो क्रिटिकल व्हर्लिंग है, क्रिटिकल व्हर्लिंग स्पीड बढ़ जाती है लिख रखा है। जब क्वेश्चन को देखा नहीं, उधर वो कर दिया, मैंने भी उसको सही कर दिया, मगर ये ठीक नहीं है। क्रिटिकल व्हर्लिंग स्पीड को कम करने के लिए शाफ्ट की लंबाई को कम करा जाता है, पर क्रिटिकल व्हर्लिंग बढ़ती है जैसे जैसे शाफ्ट लंबी होती चली जाएगी। तुम्हें रस्सी घुमा के दिखाया था, देखना वो वीडियो, क्या होती क्रिटिकल व्हर्लिंग। आगे एक यूनिवर्सल जॉइंट का कार्य है प्रोपेलर शाफ्ट को अनुमति देना, इसने लिख रखा है बेंड साइड वेज। एक कोण पर टॉर्क को स्थानांतरित करना है, जब टॉर्क को गियरबॉक्स ऊपर है, डिफरेंशियल नीचे है, इतना अंतर है दोनों के बीच में, तो यहाँ से ड्राइव ट्रांसमिट होनी यहाँ, तब लगे हैं वो बीच में यूनिवर्सल जॉइंट जो कि 18 से 21 डिग्री तक झुक सकते हैं। 18 डिग्री पर ये बढ़िया टॉर्क को ट्रांसमिट करते हैं, इसलिए यूनिवर्सल जॉइंट का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो उसके साइड और भी ज़्यादा एडवांटेज हैं, जब पहिया ऊपर नीचे चल रहा है तो वो यूनिवर्सल जॉइंट में ऊपर नीचे की भी गति होती है, जब लेफ्ट राइट टर्न कर रहा है वाहन तो तब भी यूनिवर्सल जॉइंट लेफ्ट राइट भी टर्न कर सकता है, वो तो उसके एक अलग से एडवांटेज हैं। बट यूनिवर्सल जॉइंट का प्रयोग कहाँ पर होता है? जब ड्राइव को किसी एंगल पे ट्रांसमिट करना हो। नेक्स्ट, प्रोपेलर शाफ्ट का मध्य भाग किससे बना होता है, क्या होता है वो? एक खोखली स्टील ट्यूब होती है, उसमें गन मेटल की, स्टील की, ये वो कुछ नहीं है, वो क्या है, एक स्टील की ट्यूब है। टू पीस प्रोपेलर शाफ्ट की आवश्यकता होती है। टू पीस प्रोपेलर शाफ्ट कहाँ फिट होती है? लॉन्ग व्हील बेस वाहनों में, यानी जैसे कि तुमने बीसियों बार काम किया, बोलने में क्या मुंह में दही जमी हुई है, कहाँ फिट है सौरभ? टू पीस प्रोपेलर शाफ्ट कहाँ फिट होती है? मतलब जैसे ट्रक्स, बसेज और जितने भी है, दुनिया भर की गाड़ियाँ चल रही है, टाटा की 909 चल रही है, कैंटर ये चल रही है, आईसर चल रही हैं, टाटा की जितनी भी गाड़ियाँ चल रही हैं, बड़ी गाड़ियाँ, सब में डबल डबल प्रोपेलर शाफ्ट हैं। एक प्रोपेलर शाफ्ट लंबी हो जाएगी, क्रिटिकल व्हर्लिंग बढ़ जाएगी, उसको कम करने के लिए बीच में एक सेंटर बियरिंग लगा दिया और शाफ्ट को दो भागों में तोड़ दिया। अब दोनों शाफ्टें छोटी छोटी हो गई हैं और इसलिए वो क्रिटिकल व्हर्लिंग कम हो जाती है, एक सेंटर बेयरिंग की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, एक्सल शाफ्ट का अंदरूनी सिरा किसके साथ स्प्लेंड होता है? सन गियर के साथ, जो तुम्हें डिफरेंशियल खोल के तुम्हें एक एक चीज दिखाई हुई है।
बैकलैश के लिए किसके बीच समायोजन होता है, बैकलैश एडजस्टमेंट किस किस के बीच होती है? क्राउन व्हील एंड प्लैनेट गियर्स के बीच में। हाइपोइड गियर्स को विशेष स्नेहक की आवश्यकता होती है। हाइपोइड गियर में जो आजकल बड़े बड़े क्राउन व्हील लगे हुए हैं, हाइपोइड गियर क्या है कि जो शाफ्ट आ रही है, जो इंजन से गियर बॉक्स होते हुए जो प्रोपेलर शाफ्ट आ रही जो घूमते हुए, उसमें लगा हुआ है पिनियन। उस पिनियन की सेंटर लाइन और इस गोले की जो ये क्राउन चल रहा है, इसकी सेंटर लाइन एक नहीं है बल्कि ये ऊपर नीचे है, जिस कारण इस पिनियन में एक स्लाइडिंग एक्शन होता है। एक तो ये अंदर की तरफ को घुसने की कोशिश करता है, दूसरा ये ऊपर की तरफ को भी चढ़ने की कोशिश करता है। तो इसको रोकने के लिए यहाँ पर विशेष किस्म का लुब्रिकेंट यूज होता है। दांतों के बीच में स्लाइडिंग क्रिया होती है, इसे रोकने के लिए ही इसमें 130R या 140R ये अलग किस्म का तेल, थोड़ा सा गाढ़ा तेल होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। चलो, डिफरेंशियल केसिंग के अंदर छोटे गियर को कहते हैं, क्या कहते हैं जो छोटे छोटे गियर होते हैं उनको? स्टार कहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, स्टार नहीं है, पिनियन गियर से लिखा है। तो सन गियर भी डिफरेंशियल केसिंग के अंदर रहते हैं, मगर उनके साथ क्या लगी हुई है, एक्सल की शाफ्ट। बाकी बचे चार छोटे छोटे, किसी में दो और किसी में चार, जैसे बड़े ट्रकों में वो चार हो जाते हैं, तो वो होते हैं, उन्हें हम स्टार गियर ही कहते हैं, स्टार पिनियन कहते हैं, पर यहाँ पर है पिनियन गियर्स। ट्रकों में प्रयुक्त रियर एक्सल का प्रकार होता है, जो रियर एक्सल ट्रकों में प्रयोग होते हैं वो सारे के सारे फुल फ्लोटिंग होते हैं। फुल फ्लोटिंग, फुल फ्लोटिंग क्या है कि सारा उसमें जो एक्सल की ट्यूब में भार है, एक्सल फ्री हैं, बेयरिंग लगे हुए हैं, समझ में आ रही है? जो सेमी फ्लोटिंग है उसमें कुछ ट्यूब में और कुछ एक्सल के ऊपर भार होता है। सेलिसबरी टाइप रियर एक्सल जो आजकल अक्सर यूज हो रहे हैं, जिनके पीछे से गोल है, उसका नाम है अंग्रेजी में सेलिसबरी, या फिर दूसरा है यूनिटाइज्ड कैरियर केसिंग, ठीक है, जो बीच में जिनके पीछे से इंस्पेक्शन प्लेट है, वो किस टाइप के हैं, वो किस टाइप के हैं, ये हैं तुम्हारे, अगले महीने तुम्हारा पेपर होने वाला है, तुम्हें टाइप्स ऑफ एक्सल केसिंग का ही पता नहीं है। वो है बेंजो टाइप, जिसमें पीछे इंस्पेक्शन प्लेट लगी है, उसे खोल के तुम कड़े पिनियन को देख सकते हो, वो बेंजो टाइप है। जिसमें पीछे से बंद है वही है ये यूनिटाइज्ड कैरियर केसिंग या फिर सेलिसबरी एक्सल। इसे ऊपर को कर, वाहन की सवारी आरामदायक होगी कब, जबकि अनस्प्रंग वेट कम से कम रखा जाएगा। उस वेट को, जैसे एक्सल है, अनस्प्रंग वेट क्या है, स्प्रिंग के नीचे का, स्प्रिंग के नीचे बहुत सारा वेट है, स्प्रिंग के ऊपर तो है ही है, स्प्रिंग के नीचे भी वेट है। कौन कौन सा वेट है, व्हील्स एंड टायर्स हैं, ब्रेक शू हैं, ब्रेक ड्रम हैं, एक्सल के, एक्सल केसिंग के अंदर चलता हुआ लाइव एक्सल है जो चल रहा है, ब्रेक के बहुत सारे पार्ट्स हैं, वो सब आते हैं अनस्प्रंग वेट में। नेक्स्ट, किसी ऑटोमोबाइल में स्टेबलाइजर बार जब तुमने उधर बदली थी, अल्टो की उसके बुश बदले थे, उस स्टेबलाइजर बार का काम क्या होता है, रोल को कम करना। जब ब्रेकिंग होती है तब भी डिप होती है, या जब चढ़ाई पे किसी उभार पे चढ़ रहे हैं तब भी बॉडी में रोल है, उस रोल को कम करने के लिए ही वो स्टेबलाइजर बार लगाई जाती है। और भी साइड थ्रस्ट को रोकने के लिए फिर उनके साथ लिंक रॉडें लगा दी जाती हैं, और कई वाहनों में इस तरह से साइड में, पहले एम्बेसडर वाहनों में टॉर्जन बार्स लगी रहती थी जो साइड थ्रस्ट को रोक लेती थी। पैन हार्ड रॉड का उपयोग किया जाता है किसके लिए, ये साइड थ्रस्ट को रोकने के लिए। डिफरेंशियल के साथ लगती हुई एक आर्म जैसी आती है जो कि चेसी फ्रेम के साथ लगती है, तब ताकि जो ये जो साइड थर्स्ट है इसको वो एब्जॉर्ब कर सके। लीफ स्प्रिंग के साथ साइकिल का कार्य, साइकिल क्यों लगाई जाती है लीफ स्प्रिंग के साथ, ताकि जब वो खाली हो रहा है तो लेंथ की स्प्रिंग जो है वो इस तरह से हो रही है,
और जब ये भरी जा रही है वाहन को, जब ट्रक में भार डाला जा रहा है या बस में सवारियां चढ़ रही, तो वो ऐसी हो जा रही है। तो इसकी लंबाई में कभी तो कमी हो रही है, जब ट्रक खाली हो रहा है तो ये कमानियाँ ऐसी हो जा रही हैं, जब ट्रक भरा जा रहा है तो कमानी सीधी हो जा रही। तो ये लंबाई बढ़ रही है, इस लंबाई को कंपेंसेट करने के लिए ही साइकिल लगाई जाती हैं, तब वो साइकिल इस तरह से। और क्या होता है, और एक स्लाइडिंग जॉइंट होता है, शाफ्ट की भी लंबाई बढ़ ज़्यादा रही है, जो प्रोपेलर शाफ्ट आ रही जो घूम रही है उसमें भी लगी हुई एक स्लाइडिंग जॉइंट है, जिसके जो आगे पीछे, जिसके अंदर आगे पीछे शाफ्ट चल रही है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कि लीफ स्प्रिंग के साथ साइकिल का कार्य है स्प्रिंग की लंबाई बदलने की अनुमति देना। डायोड का कार्य, डायोड का मतलब क्या होता है, जो एक ही दिशा को करंट को फ्लो होने देता है, समझ में आई, फॉरवर्ड बायस डायोड एंड रिवर्स बायस डायोड, दोनों चीज़ें मैंने तुम्हें पिछले साल ही बता दी थी। तो यहाँ पर वो एक ही दिशा में करंट को जाने देगा। अल्टरनेटिंग करंट कैसी है, कभी यहाँ मिल रही कभी यहाँ मिल रही, एक बार ऊपर मिल रही एक बार नीचे मिल रही, जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव। इस अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए ही डायोड का प्रयोग किया जाता है। तो डायोड का कार्य है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। हॉर्न धीमी और असमान आवाज पैदा कर रहा है, हॉर्न जैसा बजना चाहिए ऐसा नहीं बज रहा, टीट टीट करके जो बज रहा है बीप उसकी अच्छी नहीं आ रहा है, कै, कै, ऐसा कर रहा है। तो वह डायफ्राम क्लॉग्ड होने के कारण कई बार तो वो एडजस्ट करके पीछे से आवाज़ ठीक हो जाती है, एडजस्टिंग स्क्रू को घुमाकर, नहीं तो फिर हॉर्न ही बदलना पड़ता है। चलो नेक्स्ट, जो क्वेश्चन है वो है, आधुनिक शॉक एब्जॉर्बर में कौन सी गैस भरी जाती है। आजकल गैस वाले शॉक एब्जॉर्बर यूज किए जा रहे हैं, देखा वो होंडा साइन मोटरसाइकिल में पीछे से देखा है, उसके शॉक एब्जॉर्बर को देखा है, खाली इतने मोटरसाइकिलें खोल खाल के काम करते हो कुछ नहीं देखा, उसमें भरी जाती है नाइट्रोजन। कारों के मैकेनिकल स्टीयरिंग गियर में स्टीयरिंग अनुपात होता है कितना, 1:15। यहाँ पर बताया था टर्निंग रेडियस कि कितने चक्कर में वो, अगर अनुपात 1:15 है तो ये फुल लोड करना है, पूरा काटना है, 45 डिग्री पहिए को खोलना है, तो कितने चक्कर लगेंगे स्टीयरिंग के, कैलकुलेशन की थी यहाँ, 1.5 चक्कर में पूरा एंगल खुल जाएगा, स्टीयरिंग कट जाएगा, अंदर की तरफ भी बाहर की तरफ भी, वो है 1:15। रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग गियर वाली कारों में गियर रैक से संयोजित होती है, क्या, टाई रॉड, जो रैक है रैक के रियर एंड में टाई रॉडें लगी हैं जो आगे जाकर बॉल जॉइंट के द्वारा सीधे से स्टब एक्सल से लग रही हैं, तब जब वो रैक ऐसे चल रही है तो वो अपने साथ ही इस टाई रॉड ही खींच रही है स्टब एक्सल को, तब वो पहिया ऐसे खुल रहा है और ये वाला ऐसे जा रहा है, फिर जब वो उधर को जा रही है तो ये इधर को खुल रहा है और ये इधर को आ रहा है। तो जो रैक के साथ फिट होती है वो है टाई रॉड। ड्रॉप आर्म का दूसरा नाम है, ड्रॉप आर्म कौन सी है, पिटमैन आर्म तो नाम है उसका, लेकिन ड्रॉप आर्म है कौन सी, कहाँ से निकलती है, स्टीयरिंग गियर से निकलकर वो नीचे, फिर जो ऐसी रॉड लगी रहती है उसका क्या नाम है, पुल एंड पुश रॉड, या दो दो नाम है, ड्रॉप आर्म या पिटमैन आर्म, पुल एंड पुश रॉड या ड्रैग लिंक है। नहीं है अब दूसरा, कारों और छोटे वाहनों में स्प्रिंग आई के भीतर प्रायः लगी होती है, जो जीपें जैसे हमारी जीप थी, जीप है ये, इसके पीछे या जो नीचे थार वगैरह हैं उसकी जो पीछे लीफ स्प्रिंग है उसके अंदर जो बुशें लगी रहती हैं वो होती हैं ज़्यादातर रबर की। विशबोन सस्पेंशन में कॉयल स्प्रिंग को लगाते हैं निचली विशबोन और क्रॉस मेंबर के बीच। अब ये कम फिर भी बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है,
भारतीय गाड़ियों में तो ज़्यादातर मैकफर्सन स्टड टाइप का सस्पेंशन फिट है, मगर ये पुरानी एम्बेसडर कारों में था, अभी भी कई गाड़ियों में, ये विदेशी गाड़ियों में चल रहा है। इंजन कक्ष में अधिकतम स्थान प्राप्त होता है मैकफर्सन स्टर्ट में। और ऊपर कर कुछ है, आधुनिक शॉक एब्जॉर्बर में प्रयोग होने वाली गैस वो नाइट्रोजन है। ओके, इट्स एनफ फॉर द डे, हैव अ ग्रेट डे।